हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज हम रेड कलर की क्रीम बनाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, तो टिप्स के साथ आज आपको बताएंगे रेड कलर की क्रीम कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ दो हमारे पास कंपनीज के रेड कलर हैं, विपक्योर और मिल्की फूड का। आप दोनों में से जो आपके पास हो आप वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए रेड कलर के लिए विपक्योर का कलर आप यूज़ करें, और रेड वेलवेट केक के लिए भी विपक्योर का कलर बेस्ट है। तो आपको बताते हैं रेड कलर की क्रीम को आपने कैसे रेडी करना है। कुछ टिप्स फॉलो करनी है आपको। अगर आप वो टिप्स फॉलो नहीं करेंगे तो ब्राइट रेड कलर आप नहीं बना सकते। ये हमारे पास पिंक कलर है। तो कोई भी कलर की क्रीम जो आप रेडी करेंगे, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास अच्छे फूड कलर होने चाहिए। और क्योंकि वाइट क्रीम है तो उसको हमने डार्क कलर देना है, उसके लिए हम सबसे पहले क्रीम को एक दिन पहले बीट करके फ्रिज में रखेंगे। यहाँ देखिए, ये कल हमने क्रीम को बीट किया था। क्रीम काफ़ी हार्ड है, देखें बॉल को टर्न कर रहे हैं तो नहीं गिर रही। और टिप नंबर टू, आप क्रीम को हार्ड बीट करें, मतलब बहुत ज़्यादा बीट करें। तो यहाँ देखें क्रीम का टेक्सचर आपके सामने है। टिप नंबर थ्री, क्रीम बीट करने के बाद बॉल को कवर करके फ्रिज में रखेंगे। अब 2 टेबलस्पून क्रीम लेंगे एक बॉल में। यहाँ देखें क्रीम काफ़ी हार्ड है, क्योंकि जब भी हम डार्क कलर की क्रीम रेडी करेंगे, कोई भी कलर रेडी करना हो, तो ज़्यादा कलर ऐड करने की ज़रूरत होती है। क्रीम रनी हो जाती है, जिससे काम प्रॉपर नहीं हो पाता। तो हमारे होम बेकर या बिगनर्स को बहुत मुश्किल होती है, वो परेशान हो जाते हैं, आप कैसे काम करें, फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्रीम का हार्ड होना ज़रूरी है। टिप नंबर फोर, हम पिंक कलर की क्रीम से वाइट क्रीम को बेस दे देंगे, मतलब कि कलर बदल जाएगा, वाइट से पिंक कलर आ जाएगा हमारी क्रीम का। तो यहाँ मिक्स करने का तरीका देखें, आपने उसको बहुत फास्ट मिक्स नहीं करना, स्लोली। आप इस तरह जो ये तरीका आप देख रहे हैं, जिस तरह हम मिक्स कर रहे हैं, इसी तरह आप कलर की मिक्सिंग करेंगे क्रीम के साथ, बहुत सॉफ्ट हैंड से। और जब क्रीम अगर पतली हो जाएगी तो वो मिक्स भी आप करना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं क्रीम बहुत हार्ड है, इसीलिए कि इस गर्मी के मौसम में हम प्रॉपर क्रीम को कलर दे सके, जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। आप जब भी आपका कस्टमर आपको डार्क कलर का ऑर्डर दे, डार्क रेड कलर, डार्क ब्लैक कलर, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, तो आप सबसे पहले कस्टमर को बताएं कि वाइट क्रीम को कलर देने पर क्रीम का टेस्ट बिटर हो सकता है। अब हम थोड़ा सा ये कलर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, क्योंकि पिंक कलर से हमने बेस दे दिया, हमारी क्रीम को कुछ कलर मिल गया। अब रेड कलर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो फिर कस्टमर को इस बात का अंदाज़ा होता है। आप कस्टमर को ज़रूर बताएं कि ये आपके हाथों को भी लगेगा। अगर आपने अपने कपड़ों के साथ कलर वाले हाथ टच किए तो कपड़ों को भी लग सकता है, बट जिस तरह बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं कलरफुल, उनकी ज़ुबान रेड ग्रीन हो जाती है, इसी तरह ये भी कलर आपके ज़ुबान पर भी आएगा, आपके होंठों पर भी, लेकिन पानी पीने से ये साफ़ हो जाएगा,
हाथों को भी वॉश करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। तो विप क्योर का कलर आप यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बिटर नहीं होता। आप देखें ये पिंक कलर की क्रीम रेडी हो चुकी है। टिप नंबर 5, 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब 15 मिनट के बाद हम फ्रिज से निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। देखें क्रीम काफ़ी सख्त हो चुकी है, फटी फटी क्रीम है। और अब इसके साथ हमने क्या करना है ये आपको बताते हैं। तो ये तरीका, क्रीम भी कड़वी नहीं होगी, कलर भी अच्छा ब्राइट आएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो एक दिन पहले ही आप क्रीम रेडी करके रखें। ऐसी छोटी टिप्स फॉलो करने से काम आसान हो जाता है। जब हम जल्दी में ये काम करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है। टिप नंबर 6, एक छोटी कटोरी में हम 1 टीस्पून मिल्क ले लेंगे। मिल्क ऐड करने से क्रीम में शाइन आएगी, क्रीम का टेक्सचर बदल जाएगा, रेड कलर ब्राइट आएगा। यहाँ मिल्क ज़्यादा ऐड हो गया। अब हम वापस उसको 1 टीस्पून में नाप रहे हैं, कम कर रहे हैं। जी ये देखें 1 टीस्पून मिल्क और उसमें थोड़ा सा विप क्योर का रेड कलर शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। तो जो क्रीम हमने फ्रिज में रखी थी पिंक कलर की बेस बनाकर, जो हार्ड हो चुकी थी, फटी फटी थी, उसका टेक्सचर एकदम बदल जाएगा। यहाँ देखिए कलर कितना अच्छा है विप क्योर का। ये कलर आपका रेड वेलवेट केक का कलर अच्छा आता है। इस कलर से आप रेड कलर की क्रीम बनाएं तो बेस्ट रिजल्ट है इसका। बट आपने ये वाला लेना है, ड्रॉपर वाला नहीं लेना। अब हम ये कलर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ी सी क्रीम हम निकाल कर एक साइड पर लगाएंगे ताकि आप फ़र्क देख सकें। जो कलर हमने मिल्क के साथ मिक्स करके ऐड किया उससे क्रीम का कलर कैसा रेडी हुआ है आप देख सकते हैं। बॉल की एक साइड पर पिंक कलर है और ये मिल्क में रेड कलर मिक्स करके ऐड किया है तो क्रीम का टेक्सचर भी स्मूथ हो चुका है और बहुत फर्क भी आ गया है। रेड टोन आ चुकी है बट उस तरह का ब्राइट रेड नहीं है जैसा हमने केक पर लगाया था। तो आगे आपको बताते हैं क्या करना है। अगर आपको ज़्यादा क्रीम रेडी करनी है तो आप 4 टेबलस्पून क्रीम लें और उसमें इसी तरह आप रेड कलर की क्रीम ऐड करके मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए दोनों में बहुत फ़र्क है, वो क्रीम लाइट पिंक है, ये डार्क पिंक है। तो अब हमारी क्रीम रेड शेड की तरफ हो गई है। अब टेस्ट कर लेते हैं तो टेस्ट बिटर नहीं है, जैसा विप क्रीम का टेस्ट होता है वैसा ही है। अब हम मिक्स कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखें अब क्रीम फटी फटी भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, कोई भी चीज़ हमने कट नहीं की, बिल्कुल सेम जैसी वीडियो हमने बनाई है उसी तरह आपको दिखा रहे हैं ताकि हमारे तमाम व्यूवर्स इससे फ़ायदा उठा सके। अब ये छोटे बॉल में थोड़ी सी जो लिक्विड दूध में मिला हुआ कलर था वो भी हम ऐड कर रहे हैं क्रीम में। तो देखें आप शाइन आ रही है, ये मिल्क ऐड करने से क्रीम में शाइन आ जाती है। और जब आप केक रेडी करेंगे, सॉफ्ट स्क्रैपर का इस्तेमाल करेंगे तो भी केक में शाइन आ जाएगी, मतलब फाइनल फ्रॉस्टिंग में। अब हम सारी क्रीम को मिक्स करेंगे। तो जब इस तरह की सारी टिप्स और अपने व्यूवर्स को बतानी होती हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है। अब भी ये वीडियो पूरी देखिएगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो वीडियो को गौर से आप देखा करें और पूरा देखा करें। हमारा मकसद अपने व्यूवर्स को बताना, सिखाना। तो अगर हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे
तो फिर उनको समझ भी नहीं आएगी। तो यहाँ देखें काफ़ी अच्छा रेड कलर बन गया है, लेकिन उस तरह का रेड कलर नहीं है जो हमने अपने केक पर लगाया था। अब बताते हैं ये मिल्कीज का रेड कलर है, इसके कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। देखिए आप हमारी वीडियो देखकर ये बोलेंगे कलर ज़्यादा ऐड किया, बट आप ये भी ज़रूर जहन में रखें कि वाइट कलर है क्रीम का और उसको हमने रेड कलर देना है, और वो भी डार्क रेड कलर। तो अब हम मिक्स कर रहे हैं, तो ये देखें टोन चेंज हो चुकी कलर की, ब्राइट हो गया, बट फिर भी अभी वैसा नहीं है जैसा हमने अपने केक के ऊपर लगाया था। ये देखें काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। अगर आप इस तरह का चाहते हैं तो इस तरह का रखें, वरना हम अब लास्ट में विप क्योर का थोड़ा सा कलर और ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। और कलर एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रखें तो कलर मज़ीद डार्क हो जाता है। अगर केक आपने रेडी कर लिया और डार्क कलर की क्रीम लगानी है और उसी वक्त आप डार्क कलर रेडी करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, फिर आप ज़्यादा कलर ऐड करेंगे और कलर बिटर हो जाएगा, वो रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। तो देखें टिप नंबर 7, एक दिन पहले आपने रेड कलर की क्रीम बनाकर फ्रिज में रखनी है और नेक्स्ट डे केक पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ देखें खूबसूरत ब्राइट रेड कलर रेडी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कलर ये बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका ये कलर कैसा बना। आप ये कलर रेडी करके पाइपिंग बैग में डाल के डीप फ्रीज़र में रखें, जब भी आपको ज़रूरत हो आप ये कलर निकालें, डिफ्रॉस्ट करें, उसको बॉल में डालकर मिक्स करें और केक पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें ये वो रेड कलर की क्रीम है जो हमने अपनी परसों की वीडियो में केक पर अप्लाई की थी और ये फ्रिज में रखी हुई थी, निकाली है, ये हार्ड है, देखें दोनों का सेम कलर है, बट ये पाइपिंग बैग में है और पहले से रेडी की हुई है 2-3 दिन से, तो ये आपको बहुत ब्राइट लग रही है। ये कलर भी जब फ्रिज में पड़ा रहेगा एक दिन के बाद सेम वही कलर इसका आ जाएगा, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं आप एक दिन पहले क्रीम का कलर बनाकर फ्रिज में रखें, फिर नेक्स्ट डे केक पर अप्लाई करें। तो आपने ज़रूर मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आपकी क्रीम कैसी बनी। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये पूछा था, उनमें जुबैदा शेख, सईदा नौरीन, अवेस खान, शाजिया सलीम, राबी, रुबीना मार्टन, समीना अली, लुबना फिरदोस गिल, मोहम्मद अकरम, तैयब, हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए आज ये ब्राइट रेड कलर की क्रीम का तोहफा। बड़े बड़े बेकर्स अपनी ये सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स किसी को नहीं बताते। मेहर हीरा समरा, उनका कमेंट था अगर डबल रॉड ना मिल रही हो तो कोई है क्या है उसका? जी बिल्कुल, आप उसकी जगह ये हार्ड वाले स्ट्रॉ केक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हाइटेड केक है तो मिडल में लगा सकते हैं ताकि केक स्लिप ना हो। अगर 2 टियर है तो बड़े केक के अंदर आप 3 से 4 उसकी हाइट के मुताबिक कट करके लगाएं, और एक बड़ा स्ट्रॉ आप मिडल में लगाकर ऊपर 2nd टियर सेट कर सकते हैं। तो आप इनको कट करके अपने हिसाब से केक में लगा सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक ज़रूर किया करें, हमारे दिल को बहुत खुशी होती है, और शेयर भी कर दें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।